वो चाचा पैसे लेने आता ही होगा, लेकिन ये तिजोरी, पता नहीं ये तिजोरी खुल क्यों नहीं रही। कोई गुरु मंत्र फूक रखा है क्या माजी ने? तिम तिम खुल जा, जय हो मंगला देवी की। कन्नू भाभी, वो मुन्नी लाल जी आए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मनहूस तिजोरी खुल नहीं रही, अब मैं उनको पैसे कहां से लाकर दूंगी? हे भगवान, अभी सबला की लाज तो ही बचा सकता है। कर। अरे आकाश, पूनम, तुम लोग लखनऊ से कब लौट आए बेटा? दादी अभी अभी आया था। किधर हो बेटा? स्वागत है। अरे चाचा जी, आप इतनी जल्दी आ गए? ये लीजिए बहू रानी, आपका मोतियों वाला हार और बालियां मिलाकर कुल हुआ आपके 50,000। ठीक है, एक काम करिए, फिलहाल आप इतनी दूर से आए हैं तो ये चीजें मुझे दे दीजिए और आप जाइए, ये आते ही होंगे, तो पैसे मैं आपको इनके हाथ भिजवा दूंगी। ये क्या बात हुई बहू रानी, उधार तो मैं अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं देता हूँ। हमारी दुकान पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। सुबह से आपने 2 बार हमें चक्कर लगवा लिया, एक तो गहने भी अपने पास रख लिए और ऊपर से मोतियों का हार भी ऑर्डर देके बनवा लिया, और अब आप कह रही हैं कि पैसे दुकान पे भिजवा दूंगी। ना बहू रानी, ये नहीं हो सकता ना। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आज थोड़ी सी दिक्कत है इसीलिए ऐसा कह रही हूँ, कल आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, भरोसा कीजिए। अरे लीजिए, बात अब कल पे पहुंच गई। अरे कल गया टल। दीदी इस बकासुर की हिम्मत देखो, हमारे घर में घुस के ही हल्ला मचा रहा है, हमें भी इस पे हल्ला बोलना पड़ेगा। चलो शांत रहो बच्चों, पारा थोड़ा और ऊपर चढ़ने दो। आपने इतना बवाल क्यों मचा रखा है? मैं आपके पैसे लेके भागी जा रही हूँ क्या? मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ आपकी नियत में खोट है, लेकिन मेरी तो गति मारी गई थी जो मैंने ऐसे लोगों पर यकीन कर लिया। और सोना चांदी, बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब जो मुंह में आए पके जाओगे तुम। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना। समझ गए या दोबारा समझाऊं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे परिवार के बारे में इस तरह बात करने की? हमारी नियत पर खोट बता रहे हो? ताला डलवा दूंगी तुम्हारी जुबान पर भी और तुम्हारी दुकान पर भी। जाइए जाइए, ऐसी गीदड़ भपकियां बहुत देखी हमने। अरे देख चुके हैं पहले भी आप लोगों को, मालूम है कितने सच्चे और खड़े लोग हैं आप लोग। ओ टोपी, चुप हो जाओ वरना बस। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना घर साहब, आप अपने घर वालों की गंगदारी देखिए, आपकी बड़ी बहू ने मुझसे 50,000 के जेवर मंगवाए और अब पैसे देने के नाम पे टाल मटोल कर रही, और ऊपर से सब लोग मिलकर मुझ पर ही धौंस जमा रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ, जब पैसे देने की नीयत ही नहीं थी तो फिर जेवर खरीदने का शौक क्यों पालते? अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना बस। जानते हो कहां खड़े हो तुम? शशिकांत गर्ग के घर में खड़े होकर इस तरह से जुबान लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कितने पैसे हैं तुम्हारे? 50,000। मंगला, मेरी अलमारी से 50,000 रुपए लाकर इसे दे दो और यहां से रफा दफा करो। पैसे, अब दफा हो जाओ यहां से। ये कौन सा शौक है? तेरा मुंह तो।
कहा था ना मैंने आपसे, घर की चाबियां संभालने की औकात नहीं है इसकी। सावन के अंधे की तरह इसे तो सिर्फ अपने चारों तरफ हरा हरा नजर आ रहा है, पैसे और रुआबदारी के सिवाय इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना बहू का धर्म, ना उसकी जिम्मेदारियां, ना मर्यादा, ना घर की इज्जत। बस मंगला, रहने भी दो आप, तुम जो जताना चाहती हो मैं सब समझता हूं, लेकिन मैंने जो तुमसे कहा था वो तुम्हें याद नहीं है। मैं मानता हूं कन्नू ने गलती की है, अरे अभी अभी घर को संभाली है इसने, एक आध गलतियां करेगी फिर सीख जाएगी। मैं तो कहता हूं कि इस गलती को उसे माफ कर दो और एक मौका और दो उसे। ठीक है, इसे दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन इसे अपनी गलती की सजा भी मिलेगी, ताकि वो दोबारा गलती करने से पहले 100 बार सोचे, उस फिजूल खर्च को परिवार के हक में तब्दील किया जाए। यानी ये जो गहने खरीदे हैं इस पर इसका हक नहीं होगा। इस पर हक होगा पूनम का, इस पर हक होगा माजी का, इस पर हक होगा मेरा। लेकिन मंगला, आप ही ने कहा था कि अगर वो लोग गलती करें तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए। यही मेरा सुधारने का तरीका है। ये लो बेटा, जीजा जी, घर की नई मालकिन ने एक नया नियम लागू किया है, सब लोग वो तो सुन लीजिए। घोषणा ये की है कि आज से सब लोग अपने अपने कपड़े खुद इस्त्री करेंगे। अरे बेटा, आपने तो हमारे सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। तो क्या हुआ चाचा जी, घर में भी तो मैं अपने मम्मी पापा के कपड़े प्रेस करता ही था ना। बेटा, इस तरीके से आप लोग हमारा काम करते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ये ठीक नहीं है बेटा। आप लोग हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं, तो हमारे दिल में भी तो आप लोगों के लिए वही प्यार, वही सम्मान होगा ना जो अपने माँ बाप के लिए होता है। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमारा आपकी सेवा करना बिल्कुल गलत है? नहीं बेटा, वो बात नहीं है, लेकिन फिर कुछ नहीं माँ, अगर आप हमें माँ कहने का हक दे सकती है तो सेवा करने का भी हक देना होगा हम दोनों को, नहीं तो हम दोनों रूठ जाएंगे। अरे बेटा, आप लोग हमारी बिटिया पूनम और आकाश जी की कमी पूरी कर रहे हैं बेटा। तो समझ लीजिए चाचा जी, आपके पूनम और आकाश हमेशा के लिए आपके पास आ गए, इसलिए आपको आज के बाद किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, आप जैसे बच्चे किसी घर में हो तो हम लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना? आप दोनों भी इस घर को अपना ही घर समझिए। हाँ, आप ही का तो घर है। देखा बच्चों, चित भी मेरी और पट भी मेरी। कनू को हार का स्वाद भी चखा दिया और उसका ये हार उसको नहीं दिया। अब ये हार मेरे गले की शोभा बढ़ाएगा। पर एक बात है बच्चों, कनू है तो अनपढ़, पर गहनों के मामले में उसकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। वो तो है दीदिया, पर घर चलाना उसके बस की बात नहीं। अरे क्या खाक चलाएगी? दो गहने के अच्छे से खरीद लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे से घर चला लेगी। अरे घर चलाने के लिए तो अच्छी सूझबूझ और समझदारी की जरूरत होती है,
और वो तो उसके पास है ही नहीं, ये चीजें वो मायके से लाई ही नहीं। और मैं इतनी आसानी से मेरे इस शामियाने पर उसे राज नहीं करने दूंगी। दीदी आ, तुमने देखा नहीं, जब से उसके हाथ में चाबियां आई है अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझती है, और वो राज सिंहासन मंगा लिया बैठने के लिए। मन तो कहता है उस राज सिंहासन पर जाकर 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 थूक दे। अच्छा जाओ, उस राज सिंहासन का कायदे से उद्घाटन करो। वाह दीदी, ऐसा ललन टाप काम करने में तो मैं जरा सी भी देरी नहीं करूंगा। अभी कहाँ जा रहे हो, रात होने का तो इंतजार करो, जब तक सब सो न जाए तुम जागते रहना। उसके बाद समझ गया दीदी। हेलो। हाँ बेटा, आप दोनों ठीक ठाक पहुंच गए थे ना? जी माँ, हम पहुंच गए, पर ये रात हो गई है, आप सोई नहीं? क्या बताएं बेटा, आज आपके पापा शतरंज खेलने बैठ गए हैं। ये गया तुम्हारा घोड़ा, उसकी पुरानी आदत कब से जाग गई? दरअसल विकास को भी शतरंज खेलना बहुत पसंद है, तो दोनों बैठ गए। अच्छा, और आप और शिल्पा जी उनका खेल खत्म होने का इंतजार कर रही है? नहीं बेटा, इंतजार तो सिर्फ हम कर रहे हैं, शिल्पा तो बेचारी चाय कॉफी पिलाने में लगी हुई है। चाय कभी उन दोनों को, कभी हमें। मतलब उनके आने से घर में बहुत चहल पहल हो गई है। हाँ बेटा, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आपको पता है आज तो विकास ने आपके पापा के कपड़े भी इस्त्री कर दिए, वो भी बिना बताए। अच्छा माँ, वो हम वहाँ आए और मोनिका दी से मिल भी नहीं पाए, आप हमें उनका नंबर दे दीजिए। क्या है ना, उनका नया नंबर हमसे घूम गया है और उनसे बात करने का हमारा बहुत मन कर रहा था। अच्छा बेटा, हम अभी लाते हैं। वैसे चाचा जी, आपके बेटा और बहू तो आते रहते होंगे ना यहाँ? नहीं बेटा, वो तो अमेरिका में रहते हैं। हमेशा कैसे आ जा सकते हैं वो? जो लोग अमेरिका एक बार सेटल हो जाते हैं वो वापस इंडिया कहाँ आना चाहते हैं। अच्छा चाचा जी, ये घर आपने जमीन खरीद के बनाया था या सीधे घर खरीदा ही था? काफी पुराना घर है ये। हाँ बेटा, बहुत पुराना घर, और इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बेटा नंबर ले लीजिए। जी माँ। ठीक है माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।